असलम एवरी वन आई होप यू आर डूइंग फाइन नेम इज़ आशा सदीका एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी उसका ज़रा इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे उसके करैक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ उसके बाद अब हम लोग जाते हैं कि हमने डेफिनेशन मॉडल एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द uh, फील्ड क्लिनिकल साइकॉजी इंटीग्रेट साइंस थ्योरीज एंड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड प्रोडिक्ट एलिट मार एडजस्टमेंट डिसबिलिटी डिसकम्फर्ट एज वेल एज टू प्रमोट ह्यूमन अडाप्टन एडजस्टमेंट एंड पर्सनल डिवेलमेंट के इसमें अगर मैं वैसे बताऊँ तो इसमें यह चीज़ है कि ये जो सी क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये थ्योरीज है ये एक साइंस इंटीग्रेट करती है एक अच्छी साइंस थ्यूरीज़ को इंटीग्रेट करती है और ऐसी प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करती है जो कि हमें लोगों के माल एडजस्टमेंट को लोगों के डिसकम्फर्ट्स डिसेबिलिटीज़ को समझने की सलाहियत देती है क्यों कर हो सकती है कैसे हो सकती है इस चीज़ को प्रडिक्ट करने की सलाहियत देती है और उनको एलिवेट मतलब कि उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ की भी हमें सलाहियत देती है ठीक है और फिर हम उसको कैसे रिड्यूस करके उस माल एडजस्टमेंट को उस डिसबिलिटीज़ को डिसकम्फर्ट को, को एक ह्यूमन अडेप्टशन एडजस्टमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं ठीक है पर्सनल डिवेलमेंट करैक्टरिस्टिक प्रमोशन होती हैं कि उस इंसान को हम कॉपिंग स्किल्स सिखाते हैं और हमें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए एज अमन बींग एक हाई लेवल ऑफ रिजिलियंस चाहिए होती है क्योंकि हम हम लोगों को नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे हमारी लाइफ में कौन सा ट्रोमा हो जाए क्या हो जाए कैसे नहीं हो जाए एक सेकंड तो लगता है कुछ भी होने में तो इस वजह से फिर हमें एक हाई लेवल ऑफ़ रिजिलियंस चाहिए होती है रेजिलियंस बर्दाश काहा कमाना चाहिए होता है ताकि हम अपनी लाइफ जो उनकी हमारी लाइफ की अडेप्टशन एडजस्टमेंट्स और पर्सनल डेवलपमेंट्स है वो जारी और सारी रहें ठीक है हम लोग कहीं पीछे ना रह जाएं कहीं गिर ना जाएं कहीं चोट खाकर उधर ही बैठ के रोते ना रहें ग्रीफ में चले जाएं और ये वो तो इस वजह से हम लोग ये बात करनी है कि पर्सनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है और अडेप्टेशन भी ज़रूरी है एक नॉर्मल ह्यूमन मैन नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए भी और एक अब नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए भी तो साइकोलॉजी जो है वो नॉर्मल के लिए भी है अब नॉर्मल के लिए भी है उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो वो है वो फोकस करता है इंटेलेक्चुअल इमोशनल बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअली हम ऐसे डील करते हैं कि अच्छा इस इस इंसान की जहनी काबिलियत कितनी है ठीक है इस इंसान की जहनी काबिलियत कितनी है इसमें इसने ये कर लिया इस इसका ये था इसने ऐसे कर लिया इमोशनल कि कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा होता वो अपने जज्बात को कैसे निकालें और उसके नतीजे में वो माल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को ठीक है और बायोलॉजिकली बायोलॉजिकल अगर कोई Uh, मसला हो गया उन लोगों का तो भी उनके साथ ऐसा होता है कि जी उन लोगों को उसे कॉप नहीं करना आ रहा होता और शरीर डिप्रेशन में और यहाँ किसी ना किसी बीमारियाँ किसी ना किसी चीज़ में वो चले जाते हैं साइकोलॉजिकली तो आपको पता है नफ्सियाती मसला है सोशली भी आपको पता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो बीमार है ना उसका आपको साइको सोशल फैक्टर्स जो उनसे है ना वो भी डिस्टर्ब ही मिलेगा इस्पेशली uh, शायद मैं इंडोर प्रैक्टिस करती हूँ इस वजह से ऐसा है लेकिन अभी तक मैं uh, मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं सब पर होता है और बिहेवियल एस्पेक्ट्स भी ह्यूमन फंक्शनिंग के वो भी ऐसे ही होते हैं ठीक है बिहेवियल एस्पेक्ट्स ह्यूमन फंक्शनिंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन इन वेडिंग कल्चर एंड एट ऑल सोशो इकनॉमिक लेवल्स कि अब सोशो इकनॉमिक हर तरह का वो गरीब है गरीब तर है नॉर्मल है मिडिल क्लास है या फिर वो अलाइड और अपर क्लास है हर सोश हर लेवल ऑफ सोशो इकनॉमिक uh, स्टेटस जो से वो मैटर करता है हर इकनॉमिक जो सोशो इकनॉमिक है उसमें हम इंटेलेक्चुअल इमोशनल बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखते हैं और जाहिर सी बात है कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है कि पंजाब का कल्चर कुछ हो रहा है पशावर का कल्चर कुछ हो रहा है बलोचिस्तान का कल्चर कुछ हो रहा है तो कल्चर टू कल्चर जो हैं हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी वेरी करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हमारी प्रडिक्शन भी वैरी करती हैं उसके बाद फिर यहाँ पे एक ए बी सी मॉडल है जिसमें अफेक्ट अफेक्ट अगर आपको अभी भी नहीं पता ना तो फिर मैं क्या कहूँ अफेक्ट की टर्मिनोलॉजी से मैंने वीडियो भी बना दी हुई हैं तो अफेक्ट होता है मूड इन साइकोलॉजी अफेक्ट मतलब है मूड तो सबसे पहले हम अपना मूड चेक करते हैं मूड सैड है सैड कोगनीशन कोगनीशन होता है थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब कुछ ठीक है सबसे पहले कोगनीशन में है थिंकिंग सोच क्या रहे हो मूड है मूड लो है तो स्लो मूड में आपने क्या सोचा अच्छा उस स्लो मूड में आपने जो सोचा उस सोच पे फिर आपने कैसे एक्ट आउट किया उस हर सोच का कोई ना कोई रिस्पॉन्स कोई ना कोई रिएक्शन आता है तो वो क्या रिएक्शन था बिहेवियर का था और उस बिहेवियर का फिर हमारे अफेक्ट हमारे मूड में आ क्या हुआ कि क्या हमारी सैडनेस कम हो गई या हमारी सैडनेस में इजाफा हो गया ये चीज़